अस्सलाम वालेकुम, मैं उसमर यार डूडी ग्रीन वियन से। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फ़ायज़ोल के बारे में। फ़ायज़ोल का ट्रीटमेंट हमने चशफी के डेरे पे करवाया था, एक एकड़ कमाद के ऊपर शाहपुर सदर के अंदर। तो फ़ायज़ोल की ब्रीफिंग जो है वो हमने चशफी के बेटे को और चशफी को दोनों को दे दी थी। सारी काश्तकारी जो है चशफी का बेटा जो है अजीम, इनका नाम है, ये करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि फ़ायज़ोल का रिज़ल्ट जो है, हम इन्हीं से पूछते हैं, आपका क्या ख्याल है कि फ़ायज़ोल का रिज़ल्ट जो है वो कैसा रहा? बहुत अच्छा है। पंजाबी में भी आप बात कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि फ़ायज़ोल के अंदर बैक्टीरिया और जिंक मौजूद है जी, और सबसे अच्छी फसल हुई है और बैक्टीरिया मौजूद है आपने कहा। और ये फसल आपके सामने पहले बार कमान जो था वो एक एक पीला था। कमाद के सामने करें और अब कमाद आपके सामने है। आप बिल्कुल मायूस थे कि कमाद जो है वो झाड़ नहीं बना रहा। मायूस थे हम और फ़ायज़ोल लगवाने के बाद ट्रीटमेंट करवाई है मैजिस और फ़ायज़ोल का अच्छा असर हुआ और अब हम आगे भी यही करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे आप इस्तेमाल इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे और हम दूसरे भाई के कहेंगे कि यही फ़ायज़ोल और मैजिक इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच जीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ग्रीन वियन ट्रस्ट ग्रुप ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू।